नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लास्टिक के बोर्ड होते हैं उनको सही करने का सबसे आसान तरीका मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक प्लास्टिक का बोर्ड रखा हुआ है, इसमें बताऊँगा कि कोई भी प्लास्टिक बोर्ड हो उसमें सबसे पहले क्या ख़राब होता है, तो उसको ही सही करें। तो दोस्तों, आप घर बैठे ही सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी प्लास्टिक बोर्ड होता है तो उसमें फ्यूज़ देखा करो, जो आपको फ्यूज़ दिख रहा होगा। उस फ्यूज को देखो। तो दोस्तों, फ्यूज को हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपको फ्यूज दिख रहा है, यह फ्यूज बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर ख़राब होता तो यह टूटा हुआ होता, या अंदर से जो वायर है वो अलग हुआ होता। तो दोस्तों, फ्यूज़ एकदम सही है, फ्यूज़ को हम लगा देते हैं। तो दोस्तों, अगर फ्यूज़ भी सही है तो और क्या ख़राबी हो सकती है? तो दोस्तों, ये जो आपको वायर दिख रहा होगा, आपको मैं वायर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये तो दोस्तों, ये भी ख़राब हो सकती है दोस्तों, यहाँ से कट जाती है दोस्तों। और दोस्तों, फ्यूज और डोरी के अलावा इसमें एक ये जो खटका है वो भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। ये तीन चीज़ों के अलावा और कोई भी ख़राबी नहीं आती है दोस्तों। तो आपका आपको मैं इसको खोल के बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो अंदर की वायरिंग है बहुत मज़बूत आती है दोस्तों, जो वायरिंग ख़राब होने का तो नाम ही नहीं है दोस्तों। और इसमें एक डायोड है, ये डायोड भी जा सकता है दोस्तों। अब इसमें मैंने कहा था आपको कि डोरी भी जो है, डोरी है वो भी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये वायर अटा हुआ है। तो दोस्तों, ये वायर यहाँ लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वायर को यहाँ लगा देंगे तो ये बोर्ड में लाइट आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, इसमें यही ख़राबी थी दोस्तों, ये जो वायर है ये अटा हुआ है दोस्तों। तो इसको हम आयरन गर्म करके इसको हम लगा देंगे और ये बोर्ड चालू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपके लिए धन्यवाद।